सब लड्डू बैठ चुके हैं पूजा में। और भी लड्डू तो फिलहाल इनका सीजन भी आ चुका है और अब लड्डू भी खा सकते हैं। इनमें ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं खा सकते, क्योंकि आप देख सकते हो गुड़ और मूंगफली से ही बनी होती है और ये मूंगफली, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारी इस मैडम को लेके देखो जी, देखो इसको देखो। टाइम हो चुका है 5:30 का और अब मैं करने वाली हूँ पूजा। तो बच्चे सॉरी मुंह में से पूजा हो चुकी है। तो मैं चलती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पहले मैंने की पूजा, चिमटा भी लेके आई हूँ मैं नीचे से। शिवानी तो मैं नीचे जा रही रोटी बना लूँ। हाँ जी लो चीजी चीज को वो बेटे।
लड्डू के लिए फ्राई करके पनीर बनाएं, क्योंकि वैसे तो पनीर में प्याज जलेगी, पनीर में नहीं सब्जी। तो लड्डू के लिए हमने फ्राई करके पनीर ही खिलाई। क्यों चुके हैं और कन्नों का भोग लग गया है, हम इस टाइम लगा देते हैं भोग। हमारे लड्डू खाना खा के आ चुके हैं, अब ये देखते थोड़ी बहुत देर कार्टून बच्चों के साथ में। फिर इनको मैं थोड़ी देर में दूध पिलाऊंगी। टाइम हो चुका है 6:37 हो चुके हैं और अब कन्नू ने खाना वाना खा लिया। और जो कन्नू ने खाना खाया था वो हमारी कायरा ने खाना रोटी ली थी, है ना? किसकी रोटी ली थी आपने? कन्नू। कन्नू की। और कन्नू की मूंगफली भी ले ली कायरा ने। हाँ भाई, तुझे नहीं देनी? देख वो रहा रिमोट तेरे पीछे, कह रहा रिमोट नहीं है मेरे पास, है ना लड्डू? दिखा दो कार्टून कन्नू को। हो चुका है लड्डू कन्नू के दूध का टाइम। मेरा भी हो चुका है। दूध का टाइम। खाना तो खाया नहीं तूने, है भाई लड्डू? खाए नहीं बिस्किट? टाइम कितना हो गया? सही 7:30 हो चुके हैं, 7:33 हो रहे हैं। और अब मैंने दूध पिला दिया कन्नू को। जैसा कि आप सबने देखा, सुबह से हमने आज लड्डू का रूटीन जो आपको दिखाया वो यही था कि हाँ, हम पे जितनी सेवा लड्डू की बनती है, जैसे बनती है हम वैसे करते हैं लड्डू की। बाकी ऑलमोस्ट सबकी खाने पीने की और सुलाने की ये सब चीज़ें सेम ही होती हैं, बट थोड़ा जो चेंज होता है वो ये होता है कि कोई क्या खिलाता है, कैसे खिलाता है, वो तरीका। और बाकी मुझे कमेंट आई थी कि आप लड्डू को भोग लगाओ जब तुलसी ज़रूर रखा करो, तो हमने तुलसी अपने घर पे लगा ली है और हमारे घर पे काफ़ी अच्छी तुलसी हो भी रही है। तो इसलिए आपने देखा मैंने खाने में और इस पानी वानी में इन सब चीज़ों में भी तुलसी के पत्ते डाले थे। और बाकी तुलसी की मैंने माला रख रखी है, मैंने बताया भी था, क्योंकि अंजू दीदी ने ब्लॉग में बताया था कि अगर तुलसी अवेलेबल नहीं होती तो हम तुलसी की माला रख सकते हैं, जिससे मतलब वो वही चीज़ मानी जाती है। तो बाकी यही सेवा थी। और मैं सबसे दोबारा यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ऐसा कुछ ना बताए कि जिसे मैं करूँ ना कर पाऊँ, जो बताना है ऐसा बताना जिसे मैं कर पाऊँ। क्योंकि कोई बात हम किसी की सुन लेते हैं तो मेरे मन में तो वो बात खटक जाती है कि मैंने ऐसा कर दिया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो प्लीज़ मुझे यही चीज़ बताना, अगर मेरे सेवा में कोई मिस्टेक थी वही बताना, बाकी जो ऐड वाली है वो मत बताना। मुझे सिर्फ ये है कि मैं जो करती हूँ, आपने देखा ही था लहसुन प्याज नहीं खिलाते, वो मैंने नहीं खिलाया इनको। और बाकी यही होता है कि सुबह हम लड्डू को 6 बजे तक 6 नहीं तो 6:30 बजे तक हम पूजा कर देते हैं, और उसके बाद में कंपलसरी है कि 8-9 बजे तक हम खाना खिला देते हैं। अदर कुछ होता है तो हम रोटी लेट खिलाते हैं, वरना 9 बजे तक तो रोटी हम खिला ही देते हैं। और अब रात को भी आपने देखा, हम 9 बजे से पहले पहले कन्नू को सुला देते हैं, और इस टाइम भी यही होता है, खाना और दूध दूध देते हैं। बाकी यही सेवा, और लड्डू गोपाल जो कराएंगे, जो उनकी इच्छा होगी हमसे वो हम करेंगे ज़रूर। बाकी अभी यही है, और मन में भाव अच्छे होने चाहिए, वो लड्डू उस चीज़ के प्यासे होते हैं। अदरवाइज सेवा तो जितनी जिस पे बने उतनी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप सबने देखा, आज हमने सुबह जैसे ड्राई फ्रूट्स खिलाए थे और दोपहर के टाइम फ्रूट, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ हमारे घर में होती है ना, हम सिर्फ वो ही देते हैं जो हम खाते हैं, लहसुन प्याज छोड़ के जो हम यूज़ करेंगे और खाएंगे
हम वही देते हैं, ये नहीं है कि हाँ भाई हमको ये ही मंगवाना है, इसका भोग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे हम कभी स्पेशल नहीं मंगवाते, बस जन्माष्टमी वाले दिन मंगाते हैं और बाकी किसी दिन नहीं। जो हमारे घर में आता है वो हम खाते हैं, तो लोगों को भी खिलाते हैं। और दूसरा ये है कि ये नहीं है कि आप इनों की सेवा 10 बजे पूजा करो, 9 बजे 11 बजे, ये टाइम नहीं होता है, एक टाइम है इनों का भी। अगर हम चाहे पूजा का तो फिक्स होता है कि आपने मॉर्निंग में देखा होगा 8 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए, और शाम को भी होता है, ये थोड़ी हम 9 बजे पूजा करने लगे, 6-7 बस लास्ट दिन छिपने लगे। और जो मैंने पूजा की थी 5:30 बजे, वो हमारे मंदिर पे भजन चलते, तो जब मंदिर पे भजन स्टार्ट हो जाते तब मैं पूजा कर लेती हूँ, और फिर कुछ रोटी बनाने के लिए भी जाना होता है, तो इसलिए फिर शिवानी हो गई थी सब्जी बनाने में बिजी, बट जल्दी का चल जाता है, लेट का नहीं चलता। और जल्दी ये भी नहीं कहूंगी कि 5 बजे से पहले ही कर दो, 5 बजे के बाद में कर सकते हो। और टाइम से भोग वोग सब कुछ टाइम से करना पड़ता है, करो। हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम इस टाइम 12-1 बजे रोटी खिला दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कुछ काम भी करते रहते, अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है इमरजेंसी, तो हम लेट भोग लगा देते हैं, वो लोगों को भी पता है भाई इमरजेंसी। वरना अगर हमें लगता है ये काम हम छोड़ के कन्नों के लिए खाना बना सकते हैं, तो हम बना लेते हैं। और बाकी आप सबने देखा होगा शिवानी वाकई में बहुत करती है, लड्डू के लिए ये करना वो करना सब कुछ करना, हालांकि कराते तो लड्डू गोपाल ही है, सब कुछ कराने वाले यही है। जो भी हमसे सेवा बन पा रही है या जो भी कुछ हो पा रहा है वो सब इनकी कृपया से हो रहा है, इनकी ही इच्छा है उस सब चीज की। राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा कृष्णा गोपाल कृष्णा। देखिए आज अच्छा है, ये कन्नों के तो दोनों कानों में है, बड़े लड्डू ने गिरा दिए। राधे राधे कन्नों।